भाजपा का आईटी सेल नहीं चल रहा है, कोर्ट के अंदर खड़े हैं, कम से कम थोड़ी सी कानून की मर्यादा का पालन करिए और दोबारा इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग मत करिएगा। मोहित शर्मा अपनी भारत माँ से प्रेम करता है, आप प्रेम करते हैं भारत माँ से? बिल्कुल, बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और आप पूछने वाले कौन होते हैं? आप पूछने वाले कौन होते हैं? हम प्रेम कितना प्रेम करते हैं तो आप पूछने वाले कौन होते हैं? आप अपने चैनल पे एक वीडियो बता दीजिए जो आपने देश के जवान के लिए बनाई हो। आप पूछने वाले कौन होते हैं? मैं आपसे पूछने वाला, मैं तो कोई नहीं होता हूं, लेकिन फिर भी मैं आप पूछने वाले? अरे मैं आपसे पूछने वाला हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो आपसे फिर भी कहता हूं, लेकिन अगर आप अपनी डालो तभी हम देशभक्त हैं। किसे वीडियो हम बना करके हम YouTube पे डालते हैं? अभी जब नहीं जब डाले तो फिर क्या है? अभी शर्मा आप एक चीज बताइए, आप कह रहे हैं कि देश में डेवलपमेंट नहीं हुआ है जी। आप हम खास करके हम पूरे माहौल को या पूरे देश को या पूरे दिल्ली को जहाँ पे हम लोग खड़े हैं इस टाइम पे, हम जाके घर घर नहीं देख सकते किसका कितना काम हुआ है क्या नहीं हुआ है। ठीक है, हम यहाँ पर अगर मोहित शर्मा की बात करें, हम 5 साल पहले मोहित शर्मा को देखा जाए और अब मोहित शर्मा को देखा जाए तो काफी ज्यादा फर्क है। अच्छा। जैसे कि आपके गले में जो है ये चांदी का चेन हो गया। अच्छा। इतनी महंगी घड़ी आप पहन रहे हैं, ये सब चीज हुआ है ना, बदलाव हुआ है। अगर देश के अंदर गरीबी होती, सवाल ये है, अगर देश के अंदर गरीबी होती तो क्या इतनी महंगी मोहित शर्मा के हाथ में घड़ी होती? नहीं होती ना, बताएं। आज से 5 साल पहले की आपने बात। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद, आप देख रहे हैं डेली। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए मोहित शर्मा। मोहित शर्मा से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से देश के अंदर लगातार भाजपा के द्वारा सारे जो है दावे और वादे किए जा रहे हैं कि भाजपा गवर्नमेंट ने इस देश में, खास करके अगर मोदी की बात करें तो उनके बारे में कहा जाता है या बताया जाता है या प्रचार किया जाता है कि उन्होंने देश को काफी ज्यादा जो है डेवलप किया, हर क्षेत्र में काम किया है। तो मेरे साथ यहाँ पे मोहित शर्मा जुड़े हुए हैं। 8 साल हो गए हैं मोदी जी को यहाँ के प्रधानमंत्री बने हुए। 8 सालों में क्या देखा मोहित शर्मा? देखिए, आपने इलेक्शन के दौरान एक चीज आपने कही थी कि गूंज रहे हैं 3 नाम, मोदी, अमित शाह और योगी, इन तीनों के नाम। तो आज मैं कहता हूँ कि गूंज रहे हैं 3 नाम, पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम। राज्यसभा से लेकर लोकसभा से लेकर जनता के बीच तक तीन ही नाम गूंज रहे हैं, पेट्रोल, डीजल और गैस। सरकार की औकात नहीं है राज्यसभा में बहस कर सके, सरकार की औकात नहीं है कि उनको लोकसभा में मुद्दा बना सके, क्योंकि सरकार मुद्दा बनाती है हिंदू और मुस्लिम का। सवाल यह है कि अगर काम नहीं किया तो उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार कैसे बनी? जनता ने चुना ना योगी बाबा को दोबारा से, उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड टूटा ना। जो उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड था वो टूटा ना। सुन लीजिए, एक दिन भाजपा की नजर को छोड़कर हिंदुस्तान की आम जनता की नजर से देखेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। एक चीज आप मुझे बताइए, आप कैसे कह सकते हैं कि जनता ने वोट दिया और वोट सही जगह गया है? बताइए, जवाब दीजिए। कह सकते हैं कि जनता ने वोट नहीं दिया है? मैं बताता हूँ आपको, जब ईवीएम सड़क पे पाया जाएगा, ईवीएम के वैलेट पेपर कूड़े के ढेर में पाए जाएंगे, ईवीएम के स्ट्रांग रूम की दीवार टूटी जाएगी, तो ये रिश्ता सबूत आ जाएगा। आंख से अंधे हैं या कान से बहरे हैं या जबान से गूंगे हैं? सबूत आप बताइए ना, कैमरा में जो ऑडियंस है वो सुने। अरे सबूत पूरे देश ने देखा था, नहीं लगा दिया, कुछ भी बोल दिया, सबूत पूरे देश ने देखा था। बनारस के अंदर जगह का नाम लेके बोल रहा हूँ, बनारस के अंदर देखा नहीं था? रात को हड़कंप मचा था पूरे देश में। उसके बाद बोला कि निरीक्षण के लिए ले जाए जा रहे हैं, परीक्षण के लिए ले जाए जा रहे हैं, ठीक है ना। एक बात मैं आपको बता दूं कि चाहे सोने की लंका हो चाहे सोने की चिड़िया, अगर आप गलत नेता को वोट देंगे तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चाहे सोने की लंका हो चाहे सोने की चिड़िया, एक दिन बर्बाद हो जाती है अगर आप गलत नेता को वोट देते हैं। और वही हालत हो गई है आपने श्रीलंका। सही कौन है? नरेंद्र मोदी जी आपको सही कौन है? राहुल गांधी सही है, अखिलेश यादव सही है। इस बात का फैसला तो जनता करेगी ना, आप करेंगे इस बात का फैसला या मैं करूंगा इस बात का फैसला? इस बात का फैसला कर लिया आपने तो गलत बता दिया ना, आपने फैसला कर लिया तभी आपसे सवाल पूछा गया है कि सही कौन है। सही कौन है आपका जवाब? का जवाब जो है वो जनता 2024 के इलेक्शन में दे देगी इनको। 24 के इलेक्शन में इनको अपने आप इनको तमाचा मिल जाएगा, जो 5 किलो राशन के साथ ढेर सारी नफरत बांट रहे हैं ना, जब ये नफरत ब्लास्ट करेगी ना, जिन लोगों के खिलाफ ये 4-5 लोग हैं गिनती के देश के अंदर जो नफरत फैला रहे हैं, किसी के घर की बहन बेटी के ऊपर इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, कानून इस देश का इनके ऊपर कार्रवाई करता है तो इनकी हेकड़ी टाइम टाइम फिस हो जाती है। हाथ जोड़ के माफी के वीडियो बनाते हैं ये लोग, डरते भी इतना है। आप इस देश के अंदर 20 सेंचुरी में रहते हैं, 22 सेंचुरी में रहते हैं, आपको पछतावा? आप डर गए, आप इस देश के अंदर डर गए। आपको दिख गया कि सरकार आपको बंद करके आपका ऑड और इवन दोनों सुझाएगी, ठीक है ना। तो आप इस बात को याद रखिए, मानते हैं कि भाजपा सरकार में जो गुंडा है वो डरते हैं भाजपा की। आपने कहा है कि वो डर गए,
भाजपा की सरकार, भाजपा की सरकार की तरफ से होती है। नरसिंहानंद की, नरसिंहानंद के ऊपर कहां से हुई थी एफआईआर दर्ज? नरसिंहानंद से डरे, कहां से हुई थी एफआईआर दर्ज? एक तरफ आप ही आरोप लगाते हैं ना कि इन्हें सरकार से, न सरकार से डर है न कानून से डर है, दूसरी तरफ अभी आप कह रहे हैं कि वो डर गए भाजपा की सरकार, मतलब भाजपा की सरकार से डर गए, ये कह रहे हैं। हर जगह पुलिस सेंटर के अंडर होती है, कहां का सेंटर के अंडर है बता दीजिए, हैं कहां से पढ़े आप, नॉलेज है आपके पास सेंटर के अंदर है, सेंटर के अंदर कहां कहां है पुलिस आप बताइए, आप बताए ना। अरे मैं तो बता दूंगा, आप बताइए ना। मैं तो ये नहीं कहा ना कि उत्तर प्रदेश की पुलिस जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, कैसी बात करते हैं जब इस देश के अंदर, सुन लीजिए, कार्रवाई कैसे नहीं करेगी, कैसे नहीं करेगी, सुन लीजिए, सरकार चाहे कितनी भी चाटुकारिता और दलाली करवा ले आप जैसे पत्रकारों से, सरकार चाहे जितनी मर्जी दलाली करवा ले, सरकार जितने मर्जी अधिकारियों को किसी को भी वो प्रशासन पर प्रेशर डालने की कोशिश करे, लेकिन जब इस देश के अंदर जब आपने महिलाओं के खिलाफ अभद्र शब्द का प्रयोग किया तो वुमेन्स की तरफ से, महिलाओं की तरफ से कार्रवाई की मांग की गई, तब जाके वो बाबा अपनी औकात के लेवल पर आए और आके माफी मांगी, हैं क्यों डर गए आप? तो मैं आपको बता दूं, ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलता है। वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो चाय बेचने वाले को आज अपने संविधान की बदौलत संसद में भेजने का दम रखते हैं, लेकिन वही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपने संविधान की बदौलत इस देश के अंदर एक चाय बेचने वाले को वापस उसकी जमीन पर भी लाकर खड़ा करने का दम रखते हैं। 24 में आ रहे हैं मोदी जी, पता है? आप कैसे कह सकते हैं, आपको मोदी जी कैसे कैसे कह रहे हैं, भरोसा है? भाजपा वाले कह रहे हैं, भाजपा, एक मिनट, भाजपा वाले वो कह रहे हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री, हमारे जो मोदी जी हैं, उन मोदी जी को वो लोग शेर भी कहते हैं एक तरीके से, कि हमारे शेर है, ये मजबूत नेता है पूरे वर्ल्ड में, वो कह रहे हैं कि 24 में इस देश करने के लिए फिर से, कौन है शेर, कौन है शेर? मोदी जी के बारे में कहा जाता है, मोदी जी शेर है? हमने इंसान को वोट दिया था, आप मेरे प्रधानमंत्री की तुलना जानवर से करते हैं, शर्म नहीं आती आपको? आप भारत देश के प्रधानमंत्री को जानवर बता रहे हैं? एक लकब मिला है, क्या क्या लकब मिला? लकब मिला है, क्या मिला है? उन्हें उस चीज को कहा गया है। शेर क्या है? शेर इंसान है? मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ ना कि वो इंसान है, आप मतलब ये कह रहे हैं कि इंसान नहीं है प्रधानमंत्री, मैं ये कह रहा हूँ क्या क्या शेर का लकब क्या होता है, क्या है लकब, है क्या है लकब बताइए? नाम होता है, मान लीजिए कि जिस तरीके से आपके अंदर जो खूबी पाई जाती है, ठीक है, तो किस क्षेत्र में आपकी खूबी, मतलब किस चीज में आपकी खूबी पाई जाती है उसका, तो मोदी जी शिकार करते हैं, शिकार कर, शेर तो शिकार ही करता है, शेर तो शिकार ही करता है, तो मोदी जी करते हैं ना गरीब जनता का शिकार, नोटबंदी आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कैसे कैसे आ रहे हैं तो बताइए, करते हैं ना नरेंद्र मोदी जी शिकार, मोदी जी करते हैं, सुन लीजिए, पूरी जनता रोकेगी, मोदी जी शिकार करते हैं गरीब जनता का, मोदी जी के नेता शिकार करते हैं गरीब जनता का, और कैसे करते हैं, उनका जब वो गन्ने का जूस बेच रहा होता है तो उसके कोल्लू को उठाकर, गन्ने के जूस के बेचारे के ठेले को उठाकर करते हैं ना गरीब जनता का शिकार, ऐसे ही व्यक्ति को शेर कहते हैं आप, हैं? अगर है दम और रखते हैं शेर का जिगरा तो दीजिए चाइना को मुंह तोड़ जवाब, आजाद कराइए अरुणाचल प्रदेश की जमीन को चाइना से जो कैप्चर करी है, अगर है आपके अंदर दम, अगर आपके अंदर दम है तो बैठिए सदन के अंदर और लाइव डिबेट करिए, और बैठिए न्यूज चैनल में एनडीटीवी जैसे चैनलों पर और लाइव डिबेट करिए वहां के पत्रकारों से, आपको पता चल जाएगा टेरी प्रॉम्प्टर पर बैठ के पूरे देश के अंदर भाषण देते हैं और उसके बाद में जनता को समझाते हैं विदाउट टेरी प्रॉम्प्टर के, बोल के देखिए जनता से 1-to-1 करके देखिए कितना वक्त, आपने जो भी बातें कही है, चाहे चाइना का मसला हो, पाकिस्तान का मसला हो, डेवलपमेंट का मसला हो, इन चीजों में वक्त लगता है, आप अच्छा। कहते हैं एक दिन में काम हो जाए तो एक दिन में कोई भी काम अच्छा। नहीं कर सकता है। कितने साल हो गए, कितने साल हो गए, कितने साल हो गए, 8 साल हो गए, कम होते हैं 8 साल, है 8 साल कम होते हैं? आप गारंटी देंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी की एज कितनी हो रही है, इतनी जितनी एज है आप ये समझ लीजिए कि आदमी 70-60 से ज्यादा जीता नहीं है, आप कह रहे हैं वक्त, कितना वक्त चाहिए, कितना समय चाहिए, 8 साल दिए ना जनता ने, कितना दे जनता है, और बदले में आपने क्या दिया, नोटबंदी जिससे देश की जनता परेशान हो गई, देश का व्यापार ठप हो गया, GST जिसने इस देश की इकोनॉमी का नाश पीट के रख दिया, व्यापारी भाइयों का गला घोट के रख दिया, आपने क्या दिया बदले में इस देश को, ये तो बता दीजिए। आपने कहा कि मेरा रेलवे से, सुन लीजिए, रुक जाइए, कहां से आ जाएंगे मोदी जी, आप ही बता दीजिए, रोकेंगे आप, हैं क्यों नहीं रोकेंगे, उत्तर प्रदेश में रोका आपने, हैं उत्तर प्रदेश वहाँ पे, अरे रुक जाइए, बहुत ज्यादा चिल्ला रहे थे, अरे रुक जाइए, रुक जाइए, मोहित शर्मा, मोहित शर्मा चिल्लाते रहेंगे, और सुनिए आप होते नहीं, आप होते कौन है, आप होते कौन है बताने वाले कि मोहित शर्मा चिल्लाएंगे नहीं चिल्लाएंगे, मोहित शर्मा अपने वतन से प्रेम करते हैं और अपने जीते जी इस वतन को गुलाम नहीं होने देंगे और बिकने नहीं देंगे, अपने मोदी जी अगर वतन से प्रेम करते ना तो बिन बुलाए वहाँ पाकिस्तान की बिरयानी नहीं खाने जाते, वो पाकिस्तान भारत माँ के जवानों को शहीद करता है, और भारत माँ के जवानों की बात करते हैं तो एक बात बता दूं कि भारत माँ के जवान
जो इस देश की सरहद की हिफाजत करते हैं, उनको पेंशन नहीं मिलती है। और जब भारत माँ का जवान सरहद पे शहीद होता है, तो जिस दिन वो शहीद होता है, तो उसके घर पे सारे नेता मंत्री, होम मिनिस्टर, कैबिनेट मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सारे नेता मंत्री संतरी आके उसके घर पे उनको शहीद की श्रद्धांजलि देने के लिए आ जाते हैं। लेकिन अगले दिन कोई शहीद से आके उसकी माँ से पूछता है कि तेरे घर के अंदर खाने को रोटी है या नहीं है, तेरी बेटी की शादी होगी तो कैसे होगी। आप शहीदों की बात करते हैं और आप शहीदों के नाम पे मजाक उड़ाते हैं। नरेंद्र मोदी जी, आपने सुन लीजिए, आपने आज डिफेंस के अंदर जो बच्चे भर्ती होना चाहते हैं, आप भर्ती नहीं निकाल रहे हैं। पूरा देश आज आपसे नाराज है और आप देश के नौजवानों के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, देश आपको हरगिज माफ नहीं करेगा। मोहित शर्मा, आप एक चीज बताइए, आप कह रहे हैं कि देश में डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ठीक है? आप हम खास करके हम पूरे माहौल को या पूरे देश को या पूरे दिल्ली को, जहाँ पे हम लोग खड़े हैं इस टाइम पे, हम जाके घर घर नहीं देख सकते किसका कितना काम हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ठीक है? हम यहाँ पर अगर मोहित शर्मा की बात करें, हमारे साथ मोहित शर्मा खड़े हैं, अगर मोहित शर्मा की बात करें, अगर 5 साल पहले मोहित शर्मा को देखा जाए और अब मोहित शर्मा को देखा जाए तो काफी ज्यादा फर्क है। जैसे कि आपके गले में जो है ये चांदी का चेन हो गया, इतनी महंगी घड़ी आप पहन रहे हैं, ये सब चीज हुआ है ना जी? बदलाव हुआ है। अगर देश के अंदर गरीबी होती, सवाल ये है, अगर देश के अंदर गरीबी होती तो क्या इतनी महंगी मोहित शर्मा के हाथ में घड़ी होती? नहीं होती ना, बताएं। आज से 5 साल पहले की आपने बात करी, और पत्रकार दोबारा इस प्रकार के शब्दों का भी प्रयोग मत कर दीजिएगा जिंदगी में, ठीक है ना? जब आपको दलाली का पैसा नहीं आया करता था ना, उस टाइम पे मोहित शर्मा अपने गले के अंदर गोल्ड की चेन डाला करते थे। आज से 5 साल पहले की फोटो दिखा देता हूं आपको, ठीक है ना? तो इसीलिए आज से आता इतना पैसा। अरे भैया, पापा का बिजनेस है, कोई नरेंद्र मोदी जी की तरह चाय बेक के भीख मांग के नहीं बोलते हम, ठीक है ना? आपको दिखा रहा हूँ, आपकी तरह दलाली नहीं। आप भी तो देख लीजिए, आपका भी तो परिवर्तन कितना हो गया। आपका परिवर्तन नहीं हुआ, आप आईफोन लेके जेब में घूम रहे हैं, कहां से आता है ये पैसा? उनके बड़ी बात है क्या आईफोन? आप बिल्कुल सबूत है, मेरे पास सबूत है, मेरे पास पैसा कहां से आता है? मेरे पास सबूत है कि मेरे पास पैसा कहां से आता है, मेरे पास पैसा कहां से आता है? कहां से आता? यूट्यूब से आता है। अच्छा, यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, यूट्यूब से पैसा आता है। तो मेरे पास पैसा कहां से आता है ये बता दीजिए आप। बताए ना आप, है? मैंने तो बता दिया। मेरे तो बिजनेस है, मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, ये आप देख रहे हैं, मैं कोर्ट में इंटर्नशिप भी करता हूँ, ये देख लीजिए, ये कोर्ट में इंटर्नशिप भी करता हूँ, बहुत सारे केसेस आते हैं मेरे पास में। अब भैया, मैं खुद एडवोकेट हूँ, मेरे पास में, मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ यहाँ पर, केसेस आते हैं, मेरे सीनियर्स हैं, मैं स्टडी कर रहा हूँ यहाँ पर इस टाइम पे लॉ की, ठीक है? मेरे सीनियर्स हैं, मैं उनको केस देता हूँ, मेरे पास में इनकम ऑफ सोर्सेज है भाई, मेरी फैमिली का बिजनेस। कमीशन वगैरह से काम चल रहा है आपका? अरे सुन लीजिए, कमीशन तो आप खाते हैं भाजपा की तरफ से, ठीक है ना? तो अपनी कमीशन आप अपनी जेब में रखिए। मैं आपको दिखा देता हूँ आज से 5 साल पुरानी फोटो कोई, ठीक है ना? वो 5 साल पुरानी फोटो ही देख लीजिए और अपने दर्शकों को भी दिखा दीजिएगा कि जब आप पहनते थे तब हाथ में गोल्ड की तो फोटो लग रहा है। ये मेरी ही फोटो है। नहीं मतलब ये ऐसा लग रहा है कि मतलब हाल फिलहाल में ली गई फोटो। ये हाल फिलहाल की फोटो है, कोई भी बता दे। आपको आंख से अंधे हैं क्या? आंख से अंधे हैं? ये दिखता नहीं है टाइम और डेट? ये भी कह दीजिए अभी एडिट कर रहा है खड़े खड़े। ये भाजपा का आईटी सेल नहीं चल रहा है, ठीक है ना? भाजपा का आईटी सेल नहीं चल रहा है, ये कोर्ट के अंदर खड़े हैं। कम से कम थोड़ी सी कानून की मर्यादा का पालन करिए और दोबारा इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग मत करिएगा। मोहित शर्मा अपनी भारत माँ से प्रेम करता है, ठीक है ना? और अपने जीते जी, अरे आप सुन लीजिए, आप प्रेम करते हैं भारत माँ से? करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और आप पूछने वाले कौन होते हैं? आप पूछने वाले कौन होते हैं? हम प्रेम कितना करते हैं तो आप पूछने वाले कौन होते हैं? आप अपने चैनल पे एक वीडियो बता दीजिए जो आपने देश के जवान के लिए बनाई हो। आप पूछने वाले कौन होते हैं? मैं आपसे पूछने वाला, मैं तो कोई नहीं होता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप पूछने वाले। अरे मैं आपसे पूछने वाला मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो आपसे फिर भी कहता हूँ, लेकिन अगर आप अपनी डालो तभी हम देशभक्त हैं। किसे वीडियो हम बना करके यूट्यूब पे डालो? अभी जब नहीं जब तो फिर क्या? अभी जब मैंने शहीद की माँ के लिए बात करी, शहीद की माँ के लिए सम्मान है, क्या जो इस देश के लिए शहीद हो रहे हैं उनके लिए सम्मान है मेरे दिल में, जो हमारे देश की सेना है उसके लिए इज्जत है दिल में। दम होना चाहिए शहीद के लिए पूछने का, अंदर से जिगरा होना चाहिए, समझ गए आप? तो मेरे साथ यहाँ पे मोहित शर्मा जुड़े थे बातचीत करने के लिए, इन्होंने अपनी बातें रखी हैं। आपको क्या लगता है इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आज जरूर बताएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस जय जबरदस्त ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।